हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो होगी वो होगी सिर्फ बकचोदी की, और क्या कहते हैं, सिर्फ दिखाएंगे पूरा दिन क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30। सोकर उठ चुका हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ शूट पे। कौन से शूट पे जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, सब आपको दिखाता हूँ। उसके बाद पूरा दिन हम लोग साथ में करेंगे वर्कआउट। क्या हुआ, मैं इनको कह रहा हूँ कि माँ बाप कि बाप बेटे के रिश्ते में पैसे नहीं आने चाहिए। मानते नहीं है, इनको बताओ ठीक है, हैं? अगर ये बोलेंगे कि नहीं आने चाहिए तो फिर नहीं आएंगे पैसे, ठीक है? ओके, ऐसे कर दो। ओके, ये लोग देख रहे हैं इतने सारे यहाँ पे, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, देखो ना यहाँ से देख रहे हैं वो भी। ओके ताश चल रही है यार दिवाली पे, यहाँ पे बहुत सेक का शूट चल रहा है। तो बराबर तो हो गए, अब खेल लेना, अब तो खेल सकता है। और हाँ, अब तो बराबर हो गया, एक बारी में ले गया बैठ का दीदा, अब एक बार खेल सकता है। तो भाई आज शूट कर रहे थे ऑल स्टैक का, क्योंकि ऑल स्टैक की विंटर्स की कलेक्शन आ रही है। आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आ रही है। एक तो ये हुडी है प्लेन ब्लैक, इसके पीछे लिखा है मन ने तन ने दिल दिया था। एक यही ग्रे कलर में भी है, इसके पीछे कोई प्रिंट नहीं है। ये लेवेंडर कलर है, ये दोबारा ब्लैक कलर है प्लेन, इसमें कोई प्रिंट नहीं है। ये स्वेट शर्ट आई है ऑल स्टैक की, जिसके अंदर पॉकेट भी है, पॉकेट भी डाल सकते हो हाथ अपने। ये लेवेंडर कलर, ये ब्लैक कलर नहीं आई है ब्लेस्ड, ये अभी इसका प्रिंट दोबारा से फाइनलाइज होगा, नेक्स्ट टाइम आपको मिल जाएगा। तो लड़की के हाथ पे नहीं पकड़ने के लिए तो पॉकेट में आता है। हाँ, ये इसका पीछे का वो है झंडा कैप, इसकी पॉकेट होने का। ये इसमें लेवेंडर कलर भी है ब्लेस्ड में, और ये भी है, प्लस ये प्रोटेक्टिव पीस ब्राउन है। यहाँ पड़े हैं भाई, इधर पड़े हैं कैचिंग टी शर्ट के नीचे। ये प्रोटेक्टिव पीस वाली जो है ना, इसमें ब्लैक कलर भी आ रहा है, नेक्स्ट टाइम आपको ब्लैक भी मिल जाएगा। और एक ये पार्टी वेयर जैकेट आई है ऑल स्टैक की, बहुत मोटा कपड़ा है, इसके नीचे सिर्फ आप टी शर्ट पहन सकते हो तो ठंडा आपको लगेगी नहीं। भाई इधर पड़ा था, यहाँ पर था, उस पे 20 लिखा है, 20 ठीक है। इस तो अभी इसका जो भी वेबसाइट जब लाइव हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, जब लोग आएगा तब शायद आउट ऑफ स्टॉक ही हो तेरी बैठ गई। नहीं, कल डाल दूंगा बेटा व्लॉग देखा। ये लाइव कब तक होगी भाई? कल तो कुछ और डालेंगे। ये लाइव कब तक होगी? लाइव कब होगी वेबसाइट पे? अभी लाइव ही है। अबे वो तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जिम, उसके बाद आज वेडनेसडे नाइट है, पहले सैटरडे नाइट होती थी, एक्साइटिंग है, वेडनेसडे भी हो गई है, सैटरडे को सारे काम करने, ठीक है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद, सब अपना देखते रहना क्या चल रहा क्या नहीं। भाई वर्कआउट हो गया कंप्लीट, वर्कआउट वगैरह सब खत्म करने के बाद अब मैं अपना पी रहा हूँ पोस्ट वर्कआउट मिल, जो कि अब तार का वेटिंग, जैसे कि आप सबको पता ही है। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं पार्टी करने, पूरी दिल्ली गैंग जा रही है, तो आपको दिखाते हैं पूरा व्लॉग, आ जाओ। फिर आ जाएगा व्लॉग में। वे भी तो पीता है सिगरेट, थोड़ी पीता है। गाइस कुर्ता चेक करो इसका पार्टी के लिए। कुत्ता चेक करो पार्टी के लिए, कुत्ता तो यही है, तू ऐसे कम है। गाइस इसके आउटफिट देख लो, मेरी आउटफिट देख लो, तो इसमें चलेगा। टी शर्ट तो डाल ले, टी शर्ट लाया ना ये भाई को, दिखा दे यार भाई अपना है, बड़ी दूर से छत से आया सीधा नीचे। चला चल चल नितिश भी है भाई, तो हमारी बड़ी स्मूथ एंट्री होती है, हमारा नाम चलता है, हमारी शक्ल पे जानते हैं लोग। लाले पड़े हुए बाहर, ये देखो बार्डोस के बाहर खड़े हुए एंट्री के लिए, एंट्री उसकी होती है स्मूथ, जो टेबल लेते हैं अंदर, टेबल में लेते हैं शैंपेन उड़ाते हैं। करण करण के भरोसे आया, जब करण हमारी एंट्री करा रहा है, करण ने एंट्री निकली तो फिर हम करण, चलो आगे तो चलो। क्या करोगे भीड़ में जाके, अभी नाम अनाउंस करेंगे तो जाएंगे हम अनाउंस। और क्या पूछते हैं ना, मानव प्लस टू, क्यों भाई जूसी प्लस टू। मेरा भाई कुर्ता पहन के आया एथनिक पार्टी करने का, स्मार्ट ही लग रहा है। यहाँ पे सभी स्मार्ट तो तू है भाई, टेन के ऐसे थोड़ी हो गए तेरे। आए क्या चीज़, कुछ नहीं गाइस, कभी खुली खुली खेटे फिर भी में सुधर गया था, अभी फिर बिगड़ गया। क्या भाई
बेकार सब चीजें, ये सब नहीं पीते हैं, सब नहीं पीते वे वे जरा बराबर भी वो कभी हो दे रहा हूं। ओके भाई, पार्टी वार्टी तो खत्म हो गई है, मतलब खत्म नहीं चल रही है पार्टी, मैं जल्दी निकल गया क्योंकि मेरे को जाना था अपना जरा काम पे कैफे, क्योंकि हिसाब वगैरह कर लूँ उसके बाद मैं चल जाऊँगा घर। उसके बाद तो कोई ऐसा प्लान है नहीं, भूख लग रही है कुछ खा लूँगा, उसके बाद कैफे वैफे होके सीधा अपने अपने घर। तो जो भी है आप बने रहो, आपको दिखाते हैं साथ में क्या चल रहा है आज। और आज तो भाई पार्टी में ऐसे ऐसे लोग आए हुए, मतलब एथनिक थीम थी, तो कुर्ते पजामे में लड़के आए हुए हैं, घाघरा चोलियों में लड़के आई हुई हैं। मेरे को तो अजीब लग रहा था, मेरे को लग रहा था मैं बहुत अंडर ड्रेस्ड आ गया आज, बट कोई नहीं, जो है सो है। भाई पोस्ट ऑफिस आया हूँ क्योंकि रेस्टोरेंट में पता कि मेरे एड्रेस पे वो एड्रेस वेरिफिकेशन होनी रखी ना यूट्यूब की, गूगल एडसेंस की, तो उस वजह से मेरी मोनेटाइजेशन बंद है, जिस वजह से मेरी वीडियोस पे एड्स नहीं चलती। तो उसके अंदर एक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स था कि भाई अगर आपके घर पे मेल नहीं आ रहा है तो आप अपने किसी नियर बाय पोस्ट ऑफिस आके पता करो कि उनके पास वो मेल होगी, क्यों डिलीवर नहीं कर रहे हैं। वही पता करने आया हूँ, बस अभी एक बार बात करूँ अंदर जाके, पूछता हूँ क्या सीन है कि भाई क्यों नहीं भेज रहे हो। 6 महीने हो गए मैं OTP उनको रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, बार बार 3 अटेम्प्ट्स भी हो गए पर तब भी मेरे एड्रेस पे अभी तक 1 टाइम पासवर्ड आ नहीं रहा है। एड्रेस चेंज करके भी देख लिया तब भी नहीं आ रहा है। यही अब आखिरी होप है, अगर यहाँ मिल गया तो मिल गया, नहीं तो फिर शायद दिसंबर तक चैनल मेरे ख्याल उड़ जाएगा या पता नहीं क्या होगा। कुछ ना कुछ ऐसा कुछ क्लॉज था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अगर आपकी एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होती तो वो अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अब वो गूगल एडसेंस अकाउंट है या यूट्यूब अकाउंट है मेरे को पता नहीं, देखते हैं भाई, मिलता है तो बढ़िया है, नहीं तो $400-500 रुपये फंसे हुए हैं अभी गूगल एडसेंस में, वो निकल नहीं सकते। प्लस आगे किसी भी वीडियो में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होती तो उस पर एड्स नहीं आती, बिना एड्स के व्लॉग चलते हैं, तभी मैं सारे कॉपीराइट में भी डाल देता हूँ। तुम लोग बोलते हो मैगी भाई वाह तुमने उसकी एडसेंस की नहीं पड़ी, अरे भाई ऐड ही नहीं चलती, मैं क्या करूँ, इसलिए मैं कॉपीराइट में भी डाल देता हूँ कि चलो इन्जॉय तो करो इसी वाले। चलो बताता हूँ अभी क्या सीन है। भाई पीछे ऑफिस है, यहाँ से निकलो अभी बाहर, कह रहे हैं भाई ऐसा तो कोई लेटर हमारे पास आया नहीं हुआ, और गूगल से जो भी लेटर आते हैं वो स्पीड पोस्ट पर आते हैं, तो वो आते हैं तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है, कह रहे कोशिश करते हैं कि सेम डे हो जाए। और मैंने कहा अगर आप चेक कर लो पुराने अगर आपके पास पड़े हों जो नहीं गए हों वापस या डिलीवरी नहीं हुई उनकी, तो कह रहे ऐसे कुछ नहीं पड़े होते, अब सारे वापस चले जाते हैं, अब थोड़ा जल्दी का जल्दी काम होता है, ये है वो है, ऐसा ही दे रहा है। कह रहा अभी उनको बोलो कि वो दोबारा से अप्लाई करें, दोबारा से भेजें, और अपना नंबर दिया उसने, जब आप दोबारा अप्लाई कर दोगे वहाँ से निकल जाएगा तो आप मुझे कॉल कर देना। अरे मेरे को क्या पता भाई कब निकलेगा कब नहीं निकलेगा, कोई ट्रैकिंग आईडी वगैरह कुछ भी नहीं है ना, वो ट्रैक नहीं कर सकते, कह रहे नाम वगैरह से भी नहीं चेक कर सकते। पता नहीं भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अब दोबारा करता हूँ अप्लाई, होपफुली हो जाए, क्योंकि 4 अटैम्प्ट तो हो गए हैं, अब दोबारा अटैम्प्ट वो हो नहीं रहा है, जैसे जैसे करें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आपके पास है कोई इसका जवाब तो आप लोगों को बताओ, मेरी हेल्प करो इसमें, बड़ा परेशान हूँ, गूगल एडसेंस का OTP नहीं आ रहा, गूगल एडसेंस OTP नॉट रिसीविंग, यही सर्च करता हूँ सफारी के लिए, क्या करूँ। चलो भाई दिखाते हैं आपको आज का पूरा दिन। कल तो यार पार्टी पुटी करके मैं कैफ़े चला गया था, उसके बाद कैफ़े से मैं खाना वाना खा के घर ही गया हूँ, तो इतना कुछ खास था नहीं दिखाने वाला, आज दिखाते हैं पूरा दिन क्यों। तो भैया अब नहा धो के फ्रेश हो के खाना वाना खा के अब मैं जा रहा हूँ जिम, जिम में आज करेंगे वर्कआउट, शायद आर्म्स का या लेग्स या शोल्डर, पता नहीं, देखते हैं जो मूड हुआ जो माहौल हुआ जिम का उस हिसाब से वर्कआउट करते हैं। और आपको दिखाते हैं आज का पूरा दिन, दिन की अब तो शाम ही हो गई ऑलमोस्ट, तो जो भी है जैसा भी है आपको पूरा दिखाते हैं आज, ठीक है। We'll be right back.
ओके गाइस वर्कआउट हो गया कंप्लीट। कितने अब मेंटल एक्सरसाइज अभी कुछ नहीं, अभी वीडियो बंद कर पैसे मांगो। मोनेटाइजेशन नहीं आती, मोनेटाइजेशन नहीं आती मेरी। ओटीपी नहीं आता यार, ये अवतार की बनानी है। अभी देखो मैं यहाँ हूँ और इस वीडियो के बाद में तुम्हें यहाँ दिखूंगा। और कहा उनको देख क्या कर रहा है देख भाई ने हमारे यार वो दूसरी ब्रांड का प्रोटीन लाया था, उंगली पे दर्द हो गई। किस पे? शॉर्ट्स गिरा, उंगली पे दर्द हो गई। अगर ये खा रहा होता इसकी उंगली से यू उठा देता ये उसको। उंगली से रोड टूट जाती, उंगली वही की वही रहती। गाइस शेरू क्लासिक मिलते हैं सबको। आपको एक अनाउंसमेंट करनी जरूरी है। जेरेमी का कमबैक। मम्मी कहाँ से आ रही है? कुछ का अभी नहीं देखा। अब का देखेगा, पैसा आ रहा है अभी। कहाँ आ रहा है पैसा यार? वो देख ये देखो गाइस, अगर इसको देखा, अगर आपको योर ब्रांड भी होगा तो हो जाओगे। ओए जाओ 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 चल चल चल। अब गाइस एक रील बनानी है। कमल भाई एक पार्किंग देखो, गाड़ी मार लूंगा। कमल भाई घर थोड़ा ना छोटा पड़ रहा है, देखो 6 महीने की पेमेंट रख लो। एक गोवा में बढ़िया लोग बनेंगे। वहाँ एक थाईलैंड में वहां पर ना मैस्कुलिनिटी कमी है। तेरा गिफ्ट दिखा दूं? तेरा गिफ्ट दिखा दूं? कब गिफ्ट लेकर आया बिना पेमेंट से? अभी पेमेंट ले आएगा तो क्या कर देगा? पूरी कंपनी खरीद देंगे। चलो गाइस मिलते हैं। तो गाइस वर्कआउट मेरा कंप्लीट हो चुका है और सारे अपने अपने घर जा चुके हैं, सिवाय एक बादशाह के, एक गुंडे के, एक डाकू के, जो कि है लैला बदमाश। दिखावी बदमाशी अपनी डाकू यहाँ फिर भी रहे। गाइस आपको एक चीज़ से मिलवाना था, जैसे कि आपको पता है मैं वर्कआउट के बाद जो है मेरी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक कौन सी है। इतने टाइम से मैं अवतार का वे प्रोटीन ही यूज़ कर रहा हूँ एंड पर्सनली मैं खुद अपना जो है हर वर्कआउट के बाद इसी को यूज़ करता हूँ। प्लस स्टार्टिंग में जब मेरा दिन होता है, जब मैं उठता हूँ सोकर शाम के टाइम, तो मेरा ओटमील के अंदर जो वे प्रोटीन का स्कूप आता है वो इसी का आता है। अभी मैं पर्सनली जो है यूज़ कर रहा हूँ इसका आइसोरेज फ्लेवर। अभी मेरा नया मलाई कुल्फी का फ्लेवर डब्बा अपना ओपन करा है, एक दो दिन ही हुए सिर्फ इसको ओपन करे हुए। इसका टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है। पहले मैं मैंगो रश पी रहा था, मैंगो रश पानी में बहुत टेस्टी लगता है, उसी तरह मलाई कुल्फी अगर आप इसको दूध में पियोगे ना तो और ही बढ़िया लगता है। वैसे अब सर्दी आ गई है, अब ठंडी वंडी तो पी नहीं सकते हो, बारिश भी शुरू हो गई, कौन सी बेमौसम बरसात है। तू तो जा नहीं पाएगा। मैं चला जाऊंगा, देख लूंगा, यहीं तो आया कर दूर से। अच्छा, लैला को जाना है किसी मीटिंग करने। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अवतार का जो वे प्रोटीन, जो अवतार के आइसोरेंज प्रोटीन है, वो बाकी सप्लीमेंट ब्रांड से अलग क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो गोवर्धन घी है, गो चीज़ है, तो इनका जो बैकग्राउंड है ना इस ब्रांड का, वो बैकग्राउंड सारा डेयरी प्रोडक्ट पोटलरी फार्म्स से ही रिलेटेड है। तो ये जो भी अपना वे प्रोटीन या कॉन्सेंट्रेट जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स ये अपना मैन्युफैक्चर करते हैं वो इंडिया में ही करते हैं। बाकी ब्रांड्स की तरह ऐसा नहीं है कि वो बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं और यहाँ पर उसकी पैकेजिंग करके आपको भेज रहे हैं। तो इनका जो भी प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो, इनकी 101% कोशिश यही रहती है कि प्रोडक्ट जो है वो फार्म से शेकर आपके पास बिल्कुल फ्रेश आए। और इसका जो प्रोसेस है पूरा वे प्रोटीन बनने का, वो विद इन 24 आवर्स कम्प्लीट होता है। तो जो भी प्रोडक्ट आप इसकी वेबसाइट से मंगवाते हो, वो प्रोडक्ट आपके घर पे 101% प्योर और फ्रेश ही जाता है, उसकी गारंटी मैं भी ले सकता हूँ। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर देता हूँ, आप वहाँ से अपना स्टॉक परचेज कर सकते हो। और मेरा कूपन कोड ये है मानव अवतार, आप इसको भी यूज़ करके अपना वेबसाइट पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स के ऊपर भी डिस्काउंट्स ले सकते हो, ठीक है। बाकी इनके ऑफर्स आते रहते हैं, आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो किस टाइम क्या ऑफर है, जो आपको बेस्ट लगे आप मंगा लो। बाकी अब मिलते हैं आगे। भाई अब मैं आ गया हूँ कैफ़े बूहो और अभी खाना वाना खा लिया, उसके बाद अब थोड़ा बहुत काम कर रहा हूँ ये बेस वगैरह जोड़ने हैं। देखो रुको दिखाता हूँ बैक कैमरा का। ये देखो ये बेस ना टूट जाते हैं, तो ये इसके ऊपर की चीज़ होती है इस पर लग जाती है मेटल, और ये जुड़ेगा इससे एरल लाइट से, एक सॉल्यूशन होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग,
से जुड़ जाता है। Thank you.